माल ले, हमारी जान ले, हमारी डिग्री माल ले, नीतीश कुमार न्याय करो, नीतीश कुमार न्याय करो, नीतीश कुमार न्याय करो, हमने अभी उठाना है समान डिग्री समान अधिकार, समान डिग्री समान अधिकार, देना होगा देना होगा। पांच उठाते हैं पत्ता भी भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं है। जो स्थिति हमारी चल रही है उस स्थिति में बस एक नेता हमारे पास आए हैं वो पप्पू यादव सर हैं, जो हम लोगों के बीच में आए हैं संबोधित करनी है। तो यही आप लोग थोड़ा देर शांत हो, डिग्री नहीं मानते सर। हम लोग दो साल समय दिए हैं, सरकार ने डिग्री कराई, केंद्र सरकार MHRD ने अप्रूव किया, NCT ने अप्रूव किया, और सर ये कोर्स स्पेशल कोर्स है, दोनों सदनों ने पास किया। पास करके हम लोग 15 लाख शिक्षक को हम लोग को ट्रेंड कराया। ट्रेंड कराने के पहले सर हमारा एडवर्टीज में दिखाइए ना इसका, ये प्रचार किया गया मोदी जी के फोटो लगा के, यह प्रचार कराया गया कि आपका जो डिग्री है वो 2 साल का है। यहाँ साफ साफ सर लिखा हुआ है यह जो कोर्स है MHRD और NCT से अप्रूव्ड है, इस योग्यता के साथ बिहार में सॉरी और कहीं भी इस देश के किसी भी कोने में आप अप्लाई कर सकते हैं। गलत नियत के कारण धरना पर है, अब आप हमको एक बात बताइए, हरियाणा में टीचर्स में बड़ा घोटाला हुआ, BJP ने कही कि लूट लिया ओम प्रकाश घोटाला, 7 सालों से बाप बेटा दोनों जेल में था, सात सालों तक रावण नजर आ रहे थे अजय जी, और जैसे ही कुर्सी की बारी आई 12 घंटे में सब पाप धुल गए, लेफ्ट बोली और फिर सरकार बन गई। इस देश की कोई भी पॉलिसी का मकसद आम आदमी की जिंदगी नहीं बनती, उसका उदाहरण पंजाब का PSU बैंक, उसका उदाहरण इस देश के आम आदमी की सबसे जीवन जीने की जो जरूरत है LIC, वह पैसा पूंजीपतियों के को डाइवर्ट हो गया, उसका उदाहरण इस देश की सारी कंपनियों का सब कुछ का निजीकरण, उसका उदाहरण जितना OBC या IBC का कटअप है, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, जो हालात कभी नहीं हुए थे देश और समाज में, उस तरह की परिस्थिति आज मुखिया कानून, अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी का जो भारत सरकार ने प्रोसेस वो किया है कि हम बाहर से लेंगे, नौकरी में लेने की जरूरत नहीं, और बाहर से पप्पू यादव को तय करना है किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। जितनी बड़ी मुनाफे की कंपनी है 1,00,000 करोड़ की, वो सब कंपनी पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगा करके जी NIOS जी सर, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर, ये और हर बीमारी का इलाज राष्ट्रवाद, NRC 370, तलाक, बैकवर्ड फॉरवर्ड, गाय और हिंदू मुसलमान और
आरक्षण नहीं होता है। नौजवान कहते हैं मेरी जिंदगी लौटा दो, और NIOS जो कंपनी है, प्रधानमंत्री जो बड़ा सबसे बड़ी संस्था है, जहां से हमारे भाई 2.5 लाख नहीं पूरे देश में 15 लाख से ऊपर इसमें बीएड डीएड सब करते हैं, और अब बीएड वाले जब उसकी जो प्राइवेट बीएड वाले बिहार सरकार, पहले भी हमने देखा एसएससी यूपीएससी बीपीएससी में ये कोचिंग वाले, बिहार में एक वैकेंसी 3 बार निकलती है, और अभी तक 15 साल 30 सालों में संविदा और नियोजित को छोड़ के आपने कभी कोई परमानेंट एक नौकरी आपने सॉल्यूशन नहीं दिया। और जब आपकी चुनाव की प्रक्रिया आती है तब आप क्या करते हैं, तब आप लॉलीपॉप थमाते हैं, कभी 3000 से 6000, कभी टोला मित्र न्याय मित्र, कभी मैं नौकरी ला रहा हूँ, एग्जाम ले रहा हूँ, रिजल्ट चुनाव के बाद दूंगा, अभी वोट दे दो। ये जो इस्तेमाल करने की जो सरकार की प्रक्रिया रही, अब सरकार इस बात समझ ले, ये मील का पत्थर साबित होगा, अंतिम कील ठोका जाएगा। इनको पटना किया ने तो बर्बाद किया ही, इस बच्चे किया भी, शिक्षक किया भी, संविदा किया भी बर्बाद करेगा। या जब सभी जगह पूरे देश के इस NIOS संस्था की जो चाहे डीएड डीएलएड है, अन्य जो भी एजुकेशन है डीएड है, वो सब प्रक्रिया को मान रही है, इसी बिहार में आप इस संस्था को दूसरे जगह मानने को तैयार हैं, फिर क्या कारण है कि आप 2 साल को 18 महीने की प्रक्रिया को गलत साबित करके 2.5 लाख बच्चे की जिंदगी को नासूर बना रहे हैं? क्यों आप मरने पर मजबूर कर रहे हैं? लगातार आज लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोर्ट में हम इन लोगों के साथ खड़े होंगे, कदम में कदम मिलाकर। जब तक इनका कोई डिसीजन नहीं होता है, मैं उम्मीद करता हूं न्यायालय से हमें न्याय मिलेगी, और इस सरकार की मनमानी और कोचिंग माफिया के द्वारा जो पैसा उलझा गया पूरा का पूरा, सरकार और मंत्री और पदाधिकारी के घर पहुंचाए गए, उसको नकाब, उसको कंप्लीट नंगा करने की जरूरत है। ये कोचिंग माफिया, ये कहते हैं अब बीएड माफिया की सबसे बड़ी इसमें साजिश है, और ऐसे माफियाओं के खिलाफ बड़े सख्त लड़ाई की आवश्यकता है, और ऐसे माफियाओं के कारण ही सरकार बिहार के युवाओं के साथ हमेशा खेलवाड़ करती है। मैं सीधा आरोप है कि ये कोचिंग माफिया तय करता है कि किस कॉलेज किस स्कूल कहां पर एग्जामिनेशन होंगे और कितने पैसे में किसको पास किया जाएगा। बिना पैसे की अब इस बिहार में नौकरी मिडिल क्लास और गरीब की नहीं हो सकती है, और दूसरी तरफ लूटने की प्रक्रिया बीएड माफियाओं के द्वारा, जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, बच्चों की जिंदगी को नासूर बनाना, इसकी लड़ाई महाभारत से बड़ी लड़ने की जरूरत है। हम इस बच्चों की लड़ाई में कदम मिलाकर चलने को खड़े रहेंगे, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। रूप से और बेहतर लॉयर्स को करने में हम पूरी ताकत आपके लिए लगा देंगे, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि जब पूरा कोचिंग पैसा दे दिया है बीएड कॉलेज वाला डीएड वाला, और पैसा पप्पू अगर थमान थाम लिया है तो फिर मेरे चमड़ी पर कोई असर पड़ेगा? आज जो नेता सबको बुलाता है, सब लुटेरे सब रहता है, हमान में सब नंगे हड्डाल पर उल्लू बैठा, पप्पू यादव को काहे का यहाँ पर बैठना पड़ा, जब मुख्यमंत्री था ही डिप्टी सीएम था ही, सब करोड़पति अरबपति यहाँ पटना में था ही, तो पप्पू की क्या जरूरत थी? हम तो बोले रहे थे चंदा मामा दूर के दूध भात
ले ले आबा गुटुर करा दो। हम तो बोले नहीं थे बाहर ले आइएगा, सिगरेट बंद कर दीजिएगा नीतीश जी, अब पप्पू यादव आएंगे और हम हीरो हो जाएंगे। आप नहीं किए, हमको लोगों ने मैसेज शुरू कर दिया पप्पू जी बचाइए और हम जिंदगी अपने को लगा दी, बस इतने किए। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस। आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम, पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।